नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने बताया कि पहले ही देश की जनता जीएसटी नोटबंदी और एक वर्ष में दो बार लॉकडाउन की मार झेल चुकी है। इस देश की गरीब जनता का बजट, हर घर हर परिवार का बजट पूरी तरह से पहले ही बिगड़ चुका है। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति के लिए अब दो टाइम की रोटी खाना मुश्किल सा साबित हो रहा है। और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आए दिन देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही महंगाई, जिसके कारण जनता को अपना जीवन यापन करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह सरकार द्वारा रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही है, आज उसी बढ़ती मूल्य वृद्धि के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टावर चौराहा पेट्रोल पंप के सामने काले कपड़े पहनकर पार्टी का झंडा और मूल वृद्धि वापस लो की तख्तियां हाथ में लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। आज के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री कैलाश शाहू, शांतिलाल सैनी, पंकज ओझा, सुनील यादव आज प्रमुख जन गए आपके द्वारा यहाँ पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर। जिस प्रकार देश पहले से नोटबंदी, जीएसटी और एक वर्ष में दो बार लॉकडाउन जैसी समस्याओं को झेल चुका है और जिसके कारण कई परिवारों में आज रोजी रोटी कमाने की दिक्कतें आ रही हैं, हर परिवार का कोई ना कोई बेरोजगार हुआ है और ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा आए दिन रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाना, गैस के भाव बढ़ाना, ये जनता के ऊपर एक महंगाई की बहुत बड़ी मार है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है। आज उसी के विरोध में, पेट्रोल डीजल की बढ़ती मूल्य वृद्धि के विरोध में, माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर इंदौर ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस द्वारा आज पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आगे क्या आयोजन किया जाएगा अगर पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली जाती है तो? नहीं, अगर केंद्र सरकार अपनी मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस और ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस दोनों मिलकर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आपका नाम? हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष। बताइए हिमांशु यादव जी, आज मूल्य वृद्धि के खिलाफ आपके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया पेट्रोल पंप पर। देखिए, जिस प्रकार देश जीएसटी नोटबंदी और एक वर्ष में दो बार लॉकडाउन जैसी समस्याएं पहले पूरा देश झेल चुका है, उसके ऊपर जहाँ परिवार के व्यक्ति को, परिवार के मुखिया को घर परिवार चलाना, दो टाइम की रोटी खाना दुष्भर हो रहा है और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आए दिन रोज पेट्रोल डीजल गैस इन सब चीज़ों के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम घर परिवार में यूज़ करते हैं उसके भी भाव बढ़ना ही बढ़ना है। जो पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि बढ़ाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, आज उसी के विरोध में माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर इंदौर ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन द्वारा पेट्रोल पंप पर आज विरोध किया गया है और मूल्य वृद्धि वापस लेने का विरोध किया गया है। आपका नाम? मानसू यादव, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष।